मैं आपके साथ लक्ष्मी। किशनगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। किशनगंज से सटे हुए बंगाल के इस्लामपुर थाना क्षेत्र में बांग्लादेश की सीमा पर सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक आ गए और भारत में शरण मांगने लगे। बांग्लादेशी नागरिकों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की। बांग्लादेशी नागरिकों के बॉर्डर पर जमा होने की सूचना के बाद बीएसएफ कमांडेंट इस्लामपुर थाने के एसपी पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। अधिकारियों ने सभी नागरिकों को समझा करके वापस भेज दिया। सीमा सुरक्षा बल का कहना है कि दो बीओपी में घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन अधिकारियों और जवानों ने बांग्लादेशी नागरिकों को समझा बुझा करके सभी को वापस भेज दिया है। सभी बीओपी पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। आपात स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे सख्त निगरानी का निर्देश दिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस बॉर्डर इलाके की, जहाँ से बांग्लादेश के कुछ युवक भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि बीएसएफ ने, बता दें आपको, वहां पर सख्ती से निगरानी रखे हुए हैं बीएसएफ के जवान। और ऐसे में ये सूचना जैसे ही मिली, वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग वहां पर जमा हो गए, हजारों से ज्यादा लोग वहां पर जमा हो गए और उसके बाद समझा बुझा करके उनको, बांग्लादेशियों को, वापस अपने क्षेत्र में भेज दिया गया। तो किशनगंज से सटे हुए इस्लामपुर बॉर्डर पर कुछ लोग इस पार आने की कोशिश कर रहे थे, भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे, भारत में शरण लेने की कोशिश कर रहे थे। ज़्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, देखिए खबर ये मिल रही है कि किशनगंज के पास में जो बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है, वहाँ से कुछ युवक भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, पूरी जानकारी दीजिए। बॉर्डर संख्या में आशीष, आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है। मैं चाहूंगी कि आप नेटवर्क एरिया में आके बात करें। देखिए फिलहाल आपको बताते चले, बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो गई है। इस्लामपुर के बॉर्डर इलाके में कोशिश की गई थी, लेकिन वहां पर, बता दें आपको, बीएसएफ के जवान तैनात थे। ये जैसी खबर मिली, हजारों लोग वहां पर पहुंच गए। हालांकि भारत में शरण मांग रहे थे बांग्लादेशी युवक, कोशिश कर रहे थे कि भारत में प्रवेश उनको मिल जाए, लेकिन वहां पर बीएसएफ के जवान तैनात थे, उनको इधर एंट्री नहीं दी गई। समझा बुझा करके उनको वापस भेज दिया गया। सीमा पर सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक जो है वो आए हुए थे। किशनगंज से सटे हुए इस्लामपुर बॉर्डर का ये मामला है और ये तस्वीरें आप देखिए, जैसे ही ये खबर मिली, हजारों से भी ज़्यादा लोग जो है इकट्ठा हो गए। जैसे ही ये जानकारी मिली कि बांग्लादेश के कुछ युवक इधर आने की कोशिश कर रहे हैं, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये तरीका जो है वो सही नहीं है, एक सीमा से दूसरे सीमा में जाना, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि घुसपैठ की कोशिश उनकी नाकाम कर दी गई है। बीएसएफ और स्थानीय लोगों ने उनको समझाया और वापस उनको अपने सीमा में ही भेज दिया गया। आशीष एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ संवाददाता। आशीष, खबर ये सामने आ रही है कि सीमा पार बांग्लादेशी कुछ युवक जो है वो इधर घुसने का प्रयास कर रहे थे, पूरी जानकारी दीजिए। ये पश्चिम बंगाल के जो बॉर्डर है, ये किशनगंज से सटा हुआ है, वो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, बड़ी संख्या में नागरिक थे, जिसे यहाँ बीएसएफ और पुलिस के द्वारा किसी भी तरह समझा बुझा कर हटाया गया है और यहाँ पे बहुत मुस्तैदी के साथ कैंप किए हुए हैं और पुलिस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। देखिए लगातार आपको बता दें, वहां पर स्थिति ठीक नहीं है बांग्लादेश में और इसी वजह से कुछ लोग भारत आने की कोशिश में लगे हुए हैं। बांग्लादेश में सरकार के